बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास फाइव साइंस यूनिट नंबर वन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे कि आपको पता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स कहते हैं जानदारों की जमातबंदी को। अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में उनकी सिमिलैरिटीज़ उनके सेम होने की बुनियाद पर या उनके कोई मुख्तलिफ चीज़ों की बुनियाद पर उनको ग्रुप में तकसीम करना। ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज़ अमंग देम, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कुछ सिमिलैरिटीज़ की वजह से ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। मिसाल के तौर पर पिक्चर ए में ऑल द थिंग्स ऑफ ग्रुप ए आर मेड ऑफ मेटल। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये कटलरी की हैं और ये सब मेटल से मिलकर बनी हैं। द थिंग्स ऑफ ग्रुप बी आर बुक्स, ग्रुप बी की जो थिंग्स हैं वो बुक्स हैं। एंड द थिंग्स ऑफ ग्रुप सी आर फ्रूट्स, और ग्रुप सी में जो थिंग्स हैं वो फ्रूट्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स इन आवर वर्ल्ड। हमारी दुनिया में मिलियंस की तादाद में जानदार पाए जाते हैं। साइंटिस्ट हैव ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन देयर करेक्टरिस्टिक्स। साइंसदानों ने उन्हें उनकी सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर उनको ग्रुप में तकसीम किया है। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर करेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। जानदारों को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर जो ग्रुपों में तकसीम किया जाता है उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ एसेंशियल फॉर मेकिंग देयर स्टडी ईजियर। जानदारों की क्लासिफिकेशन उनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के दौरान साइंटिस्ट एग्जामाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनफेमिलियर ऑर्गेनिजम्स। जो साइंसदान है वो उनकी खसूसियात को देखते हैं जो जानदारों के बारे में वो नहीं जानते होते, और फिर उनको एक प्रॉपर ग्रुप में रख देते हैं। दे ऑल्सो सजेस्ट नेम फॉर द ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उस जानदार के लिए नाम भी तशवीस करते हैं। द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ अ डेज आजकल साइंटिस्ट क्लासीफाई थिंग्स इन द फाइव किंगडम, फाइव मेन ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम्स। आजकल साइंसदान जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स को पांच ग्रुप में तकसीम कर रहे हैं जिन्हें हम किंगडम्स कहते हैं। दीज किंगडम्स आर नेम्ड एज, इन किंगडम्स के नेम दर्ज ज़ैल हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, एनिमेलिया एंड प्लांटी। एग्जांपल्स हैं किंगडम मोनेरा, एग्जांपल बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा, एग्जाम्पल एल्जी, किंगडम फंजाए, एग्जाम्पल यीस्ट, मशरूम्स एट्सेट्रा, किंगडम एनिमेलिया एनिमल्स, किंगडम प्लांटी प्लांट्स। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है जो एक ही सेल से मिलकर बने हों। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, जो ज़मीन पर हर जगह पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर फूड बट अदर्स लिव इन, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं जबकि दूसरे रहते हैं इन एंड गेट फ्रॉम देयर बॉडीज। दूसरे बैक्टीरिया जो हैं वो इनकी बॉडीज में रहते हैं और वहीं से खाना हासिल करते हैं। ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में और डेड बॉडीज़ में। मोस्ट बैक्टीरिया कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे बैक्टीरियाज इन जानवरों में और प्लांट्स में डिजीज़ बीमारियाँ करते हैं। एल्जी आर यूनिसेलुलर। एल्जी यूनिसेलुलर एक सेल से बने होते हैं, कलोनियल आबादकारी में होते हैं यानी ग्रुप्स में रहते हैं, एंड मल्टी सेलुलर और ज़्यादा सेलुलर सेल्स से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, सी एट्सेट्रा। दे हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसेंसिस। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना फूड खाना खुद बनाते हैं फोटोसेंसिस के प्रोसेस के ज़रिए। वोल्वोक्स एंड स्पाइरोगायरा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलजी। एलजी की एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों, ये इनकी पिक्चर्स हैं। एंड नेक्स्ट है फंजाए। फंजाए आर फाउंड एज यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस फॉर्म्स। फंजाए जो है वो यूनिसेलुलर एक सेल से भी मिलकर बने होते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं यानी ये फिलामेंट्स की फॉर्म में भी होते हैं। ऑल फंजाए लैक क्लोरोफिल। फंजाए में क्लोरोफिल बहुत कम मौजूद होता है
एंड कैन नॉट प्रिपेयर दे ओन फूड, और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे अब्जॉर्ब फूड, ये फूड को अब्जॉर्ब करते हैं, जज़्ब करते हैं. फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल से. यीस्ट, राइजोपर्स एंड मशरूम्स एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन किंगडम फंजाई. ये सब फंजाई किंगडम में पाए जाते हैं, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं. यीस्ट आर माइक्रोस्कोपिक फंजाई. यीस्ट, जिसे हम खमीर कहते हैं, वो एक माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाने वाला फंजाई है. राइजोपर, ब्लैक ब्रेड मोल्ड. ग्रो ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स, ये ब्रेड पर और फ्रूट्स में पाया जाता है. मशरूम्स, अम्ब्रेला लाइक फंजाई, ये अम्ब्रेला की तरह की इनकी शेप होती है. अपीयर ऑन द डम्स ऑफ डेब्रिस एंड हीप्स ऑफ डंग, ये कबाड़ और कूड़े क्रिकेट में पाया जाता है. एनिमल्स, एनिमल्स आर अ मेजर ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एनिमल्स जो है ये ग्रुप में होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, ज़्यादा सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं. दे कैन नॉट प्रिपेयर दे ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर द फूड, ये अपने खाने के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं. प्लांट्स, प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं. थैंक यू.